उस हलफनामा को मिला लिया जाए कि उस शपथ पर उनका सही है कि हमारा सही है, अगर दोनों लोगों का सही है तो उनको 400 PC का मुकदमा के जेल भेजा जाए और उस हलफनामा को निरस्त किया जाए और मान लिया जाए कि यह नियमानुसार गलत है, ये जो अप्लीकेशन दिया है इसको रद्द किया जाए। आपने हलफनामा दिया 49 लोग सम्मिलित थे ADM के समक्ष, तो वो सम्मिलित थे तो हलफनामा हमको क्यों दे, धमकी बस लोग आए हैं ऐसा हो सकता है, हमें तो नहीं लगता है कि 49 लोग हैं, शायद 35 लोग भी न हो रहे हो। क्या ये BDC द्वारा पैसे की धन उगाही के लिए ऐसा हाँ, किया जा रहा है? BDC के लिए धन उगाही के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है, क्षेत्र पंचायत सदस्य को ऐसा करके ऐसा किया जा रहा है। आज आप यहाँ अकेले आए हैं, आपके साथ और लोग नहीं आए हैं, तो आप कैसे साबित करेंगे कि आपके साथ 55 लोग हैं? नहीं तो हमारा नियमांश हम खुद है इस समय बहुमत में, तो हमको यहाँ थोड़ी दिखाना है कि नहीं हम बहुमत में है कि नहीं, हमको तो जो शपथ पत्र दिए हैं उस शपथ पत्र को यहाँ देना था, हमारे पास 10-5 जो क्षेत्र पंचायत हमारे साथ, क्या क्षेत्र पंचायतों द्वारा पैसे की मांग की जा रही है? हमारे द्वारा तो ऐसा नहीं लगा, वहाँ हो सकता है कि ऐसा करने के फिराक में लोग विपक्षी लोग हों। कुछ खरीद फरोख्त भी हो रही है आपके ब्लॉक में? अब ऐसा अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ऐसा अगर होता है, अगर ऐसा निर्णय लिया जाएगा तो हो सकता है कि ऐसा लोग करें। क्या जो BDC आपको शपथ पत्र दिए हैं उनको भी ऐसा कोई प्रलोभन देने की बात कहीं आ रही है? हाँ, ऐसा प्रलोभन वो लोग दे रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो पैसा का हम लोग पैसा आप लोगों को देंगे अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो, नहीं तो हमारे तटस्थ हैं लोग, हमारे पास बहुमत है, मैं इसीलिए गुहार लेकर आया हूँ ADM साहब के।